बात करते हैं ग्वालियर की, जहां एक 7 साल की बच्ची के साथ 50 साल की अधेड़ ने दुष्कर्म किया है। घटना के समय मासूम घर पे अकेली थी और उसके दादा की पैर की मालिश करने आने वाले अधेड़ ने उसके साथ गलत हरकत कर दी। घटना 2 दिन पहले की बताई जाती है। सहमी और डरी मासूम को देख उसकी दादी ने कारण पूछा तो बच्ची ने कहा, दादी मालिश वाले अंकल बहुत गंदे हैं। इसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ है। पता चलते ही परिजन ने आरोपी को पकड़ा और थाने लेकर पहुंचे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि नाबालिग बच्ची अपने परिवार के साथ रहती है। कुछ समय पूर्व उसके दादा को पैरालिसिस अटैक आया था, जिससे शरीर का काफी हिस्सा काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर के इलाज के साथ ही उनकी घर पर मालिश कराई जा रही, जिससे उनके शरीर का मूवमेंट शुरू हो जाए। घर पर मालिश करने के लिए महलगांव निवासी कल्याण रैकवार आता था। कल्याण रोज सुबह और शाम आकर बच्ची के दादा की मालिश करता था। 2 दिन पहले मासूम की माँ और पिता काम पर गए थे और घर पर दादी व दादा थे। जब कल्याण मालिश करने के लिए आया तो बच्ची की दादी पास ही स्थित मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। मौका ताड़ कर आरोपी ने बालिका को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी ने मासूम को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके बाबा कभी ठीक नहीं होंगे। इसके डर से बालिका ने किसी को भी अपना दर्द नहीं बताया, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ी तो दादी को शंका हुई और उन्होंने बालिका को भरोसे में लेकर पूछताछ की तो उसने घटना बताई। घटना का पता चलते ही परिजन कल्याण को पकड़कर थाने लेकर पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने मासूम की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हाल ही में मासूम बालिकाओं से हुई हैवानियत की घटनाओं से बचपन खतरे में पड़ गया है। कुछ माह पूर्व जनकगंज थाना क्षेत्र में मासूम बालिका से पतंग शॉप के संचालक द्वारा ज्यादती की गई। इसके बाद 20 दिन पहले भी नाबालिग बच्ची के साथ दूर के रिश्ते में उसके ही दादा ने दरिंदगी दिखाने के बाद हत्या कर दी थी। यदि आपके घर में कोई अनजान आ रहा है तो सावधान रहने की जरूरत है। एएसपी क्राइम राजेश दंडोतिया का कहना है कि बच्ची से दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।